गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं पूर्णिमा मैम लिटिल फ्लावर एकेडमी से आपको क्लास 3 की हिंदी पढ़ाने चल रही हूँ। तो हमारा लेसन 2 है। लेसन 2 का नाम है पाठशाला। पाठशाला मीन्स आप जानते हैं पाठ मतलब लेसन, शाला मतलब शाला मीन्स होता है घर या जगह। तो पाठशाला का मतलब क्या हुआ, जहाँ हम पढ़ते हैं उसको पाठशाला कहते हैं। तो हमारी ये पाठशाला की जो स्टोरी है वो प्रेषक प्रसंग है, मतलब ये हमें किसी चीज़ के लिए प्रेरित करती है। तो इस स्टोरी में हम आपको सच और सही रास्ते पर चलने की को प्रेरित करेंगे, प्रेरित करने की स्टोरी बताई गई है। तो चलिए बच्चों, हम आपको अपना आपका स्टोरी बताते हैं। एक जैसे आप क्लास में आते हैं तो क्या करते हैं, क्लास में आते हैं तो एक दूसरों से बातें करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं। उसी तरह ये स्टोरी में बताई गई है कि एक समय की बात है, कक्षा में सन्नाटा फैला था। जब कोई टीचर किसी बच्चों को जब कोई टीचर क्लास में बच्चों को डांट देता है तो आपकी क्लास शांत हो जाती है। उसी तरह क्लास में सन्नाटा फैला था क्योंकि संगीत के टीचर ने बच्चों को डांट लगाई थी। जब भूगोल के टीचर आए, भूगोल के टीचर कौन थे, अध्यापक भूगोल के वेणुगोपाल जी। वेणुगोपाल जी जब आए क्लास में तो बच्चों में क्या हो गया, शोरगुल होने लगा, हल्का फुल्का कानाफूसी होने लगी, एक दूसरे से बच्चे बात करने लगे। उसमें एक बच्चा था कौन, विभू। विभू ने पूछा रोहन से, क्यों कॉपी लाए हो ना, तो रोहन ने क्या कहा, नहीं लाया हूँ और नहीं लाया हूँ। फिर दोनों एक दूसरों से बातें करने लगे। वेणुगोपाल जी ने घूरा तो दोनों शांत हो गए। उसके बाद फिर उसने कहा कि तुम्हारी जो गाय बछड़ा दिया है वो कैसा है, तो उसने बताया कि वो उजला है। इस तरह बातें करने लगे। तब तक वेणुगोपाल जी ने कहा कि सारे बच्चे, एक बच्चे से कहा, जाइए सारे बच्चे अपनी अपनी कापियाँ कलेक्ट कीजिए, सारे बच्चे का होमवर्क की कॉपी कलेक्ट कीजिए। आज भी बच्चे, कुछ बच्चे होमवर्क की कॉपी नहीं लाए थे। दो तीन बच्चों की जैसे ही कापी उन्होंने चेक की, तब तक उसी के बीच उनको नरेंद्रनाथ की कापी सामने आ गई। और उसकी कॉपी को चेक करते ही वो थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर उस नरेंद्र को कहे, नरेंद्रनाथ को, कि नरेंद्रनाथ आप खड़े हो जाइए और आप बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है। तो नरेंद्र ने बड़े अच्छे से कहा कि सर, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। तो सर को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि जब आपको आता नहीं था तो आप पापा से पूछ लिए होते या बुक से देख लिए होते, आपने गलत उत्तर क्यों लिखा। तो उन्होंने कहा, नहीं सर, हमें जब आता था तो हम पापा से क्यों पूछते और किसी से बुक से क्यों देखें, हमको आता है ना उसका उत्तर। तो सर को और गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने उसको बहुत डांट लगाई, कहा कि एक तो गलत लिखते हो उसके बाद बातें करते हो। फिर भी नरेंद्रनाथ ने कहा, नहीं, हमारे अगर ऐसे करने से अगर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन ही रहेगी, कुछ बदल तो नहीं जाएगी। तब सर को और गुस्सा आ गया, उन्होंने दो तीन स्टिक उसको लगा दी। उसके बाद भी उसने आंसर वही बताया। तब सर को लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है। इतने के बाद भी अगर जब सच जिसके अंदर होता है उसके अंदर डर नहीं रहता है, इसीलिए सच सत्यता में बहुत ताकत होती है। तब उनको लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है, ये इतना मार खाने के बाद भी बच्चा अपना उत्तर वही बता रहा है, तो कोई बात जरूर है, शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है। टीचर ने क्या कहा, शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है। तो उन्होंने फिर अपनी बुक खोली, भूगोल की बुक, उसमें देखा तो उसमें उनको संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन ही लगी, न्यूयॉर्क उनका मिस्टेक था। तो बच्चों, उन्होंने बड़े अच्छे से मुस्कुराया और नरेंद्रनाथ की तरफ देखकर कहा कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम हमेशा सत्य के रास्ते पे ही टिके रहो, तुम्हारे कारण आज हमको अपनी गलती का एहसास हो गया, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और तुम हमेशा इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहो और तुम अपनी सच्चाई पे हमेशा टिके रहो। वेणुगोपाल जी ने ना तो आप वेणुगोपाल जी के मन में कोई बात थी और ना ही नरेंद्रनाथ के मन में कोई बात थी। तो 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। यही बच्चे जो नरेंद्रनाथ थे वो बड़े होके स्वामी विवेकानंद बने और अपने
गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों का प्रचार किया पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे भारत में उन्होंने वेदों का प्रचार किया। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उन्होंने धर्म की स्थापना की और सही स्वरूप फैलाया पूरे देश विदेश में, जिससे हमारा देश उनको बहुत अधिक प्रेम करता है। तो बच्चों, पाठशाला प्रेषक प्रसंग आपको कैसा लगा? इसमें आप अपनी क्या सीखे हैं? इसमें मानव को हमेशा सच का साथ देना चाहिए, भले ही चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, उसे हमेशा अपने सच के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे नरेंद्र नाथ को टीचर ने बहुत पनिश किया, फिर भी उसने अपने उत्तर को गलत नहीं ठहराया। इसी तरह बच्चों, जब हमें जो चीज़ सच है उसको हमें किसी के डर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपने पाठशाला प्रेरक प्रसंग से सीखा कि हमें सच के रास्ते पे हमेशा चलना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।